गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वैकेंसी की अपडेट्स। डिटेल में बात करेंगे कौन अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते, इसलिए लास्ट एक वीडियो देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे कमेंट नहीं, बट हाँ, एक लोग हैं SS, शॉर्ट फॉर्म उनका SS है, फुल फॉर्म नहीं पता। वो मुझे कल से कह रहे थे कि मैम प्लीज़ वैकेंसी अपडेट्स दे दीजिए। तो मुझे तो कल, मैं बैठ के पोस्ट लिखी कल, फिर कहीं लाओ आज रिकॉर्ड कर देती हूँ, मॉर्निंग में टाइम मिला नहीं तो मैं कहीं लाओ अभी कर देती हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग संग वैकेंसी अपडेट शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी। एंड प्लस अभी कुछ देर पहले मैंने टेक महिंद्रा का वो शेयर किया चैटबॉट इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, नहीं देखा तो आप उसे चेकआउट कर लेना। अगर आपका इंटरव्यू है या फिर आपके किसी फ्रेंड का इंटरव्यू तो आप प्लीज़ उनके संग शेयर कर सकते हैं, उनका एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस टाइप के नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। यहाँ पर जो कंपनी है वो है फुजित्सु, तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कौन अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते। तो लोकेशन आपको दिया जा रहा है बेंगलोर, चेन्नई एंड पुणे दिया जा रहा है। प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोफाइल मिल रहा है। क्वालिफिकेशन जो है वो आपका BE/BTECH MCA होने वाला है। परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 60% बोला गया है कि आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आपका 60% से कम है तब तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ अगर 60% या फिर उससे ज़्यादा है तब आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देख लेते हैं बैच की। तो अगर आप 2019, 20 एंड 2021 के हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सैलरी जो है वो आपको 3.5 से लेकर 4 LPA तक आपकी सैलरी है यहाँ पर। और अब बात करें ब्रांच की तो एनी स्ट्रीम, यानी कि अगर आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से हो, CSIT से हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो आप सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जब उस पर क्लिक करो तो आप डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई का बटन दिया, नीचे सब्सक्राइब का बटन भी है, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई करने के प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे इस बटन पर अप्लाई फास्ट पे, तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा विंडो जहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ बस जो भी डिटेल्स मैंने बताई वही सारी चीज़ें आपको क्या करना है, अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट है तो आप तो डायरेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के तो लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आपका यहाँ अकाउंट नहीं है तो उस केस में आप इस रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ क्या क्या मांग रहा है, योर नेम, योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। आपको इन सभी डिटेल्स को फिल करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपको firstnaukri.com पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद जब फर्स्ट नौकरी पर जब भी वैकेंसी आएगी आपको बार बार अकाउंट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार जो क्रिएट किए रहोगे उसी को फिल करना, वही ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना और आपका लॉगिन हो जाएगा। जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो आपको एक विंडो आएगी जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करना है, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ये आपको फर्स्ट पेज पर फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट करोगे सेकेंड पेज पर जब जाओगे तो वहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी होती हैं। आपसे यहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना सब पर्सनल पूछे जाएंगे। इन केस यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक है। डोंट वेरी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं आपके संग एकदम फ्रैंक होकर रहूँ, फ्रेंडली बन के रहूँ ताकि आप भी अपनी बातें शेयर कर सकें और हम भी अपनी बातें शेयर कर सकें, ठीक है। क्योंकि हम लोग बातें किससे ज़्यादा शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड लोगों से ही शेयर करते हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ एकदम फ्रैंक होकर रहें ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी बातें शेयर करने में और हमें भी ना हो। तो फिलहाल अप्लाई कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अप्लाई करने की, नहीं होता तो हम उसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टा पर नहीं फॉलो किया तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, चैटबॉक्स, यूट्यूब तो है ही आपका, फेसबुक, बस इतनी प्लेटफॉर्म पर मैं अभी हूँ। इन फ्यूचर मे बी मैं और क्रिएट करूँ। एंड ये जो वेबसाइट है अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रुक जाए दिखाती हूँ आपको, यहाँ बैक आते हैं, ये देखिए ये जो वेबसाइट है ना ये मेरी वेबसाइट है। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वेबसाइट तो प्लीज़ एक लाइक तो मेरे वेबसाइट को भी दे दीजिएगा, बहुत मेहनत से मैंने क्रिएट किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।